यूपीएससी अपने अभ्यर्थियों के लिए एक न्यूनतम आयु निर्धारित करती है और समय समय पर इसमें बदलाव भी करती रहती है। तो वर्तमान में सिविल सेवा आईएएस परीक्षा में उपस्थित होने के लिए न्यूनतम आयु के मानदंड को 21 वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है, मगर फिर भी आईएएस की तैयारी शुरू करने के लिए सही उम्र क्या होनी चाहिए, ये प्रश्न सिविल सेवा अधिकारी बनने की चाह रखने वाले विद्यार्थियों के मन में उत्पन्न होने वाले अहम प्रश्नों में से एक है। तो अधिकांश छात्र इस दुविधा में फंस कर रह जाते हैं कि उनकी तैयारी पूरी नहीं हो पाएगी। तो आज के वीडियो में हम तैयारी के इसी एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये कैसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा नाम ऐश्वर्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है किस उम्र से आईएएस परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो भारत के अधिकांश छात्र आईएएस बनना चाहते हैं और इसके लिए वो ये निर्णय नहीं ले पाते हैं कि आईएएस परीक्षा की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए। तो ऐसे में वो बहुमूल्य समय खो देते हैं जिसकी कमी के कारण वो अंत में असफल हो जाते हैं। लेकिन भारत में अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में सफलता को प्राप्त किया है और ऐसे बहुत से अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने इस सफलता को अपने अंतिम प्रयास में प्राप्त किया है। तो आईएएस बनने का निर्णय आप किस उम्र में लेते हैं ये आप पर निर्भर करता है। यूजुअली जिनके अभिभावक या माता पिता उच्च शिक्षा प्राप्त किए रहते हैं वो अपने बच्चे को करियर के सभी विकल्पों के बारे में सही से जानकारी दे देते हैं जिससे बच्चे की मानसिक तैयारी समय रहते की जा सकती है। और अगर आपने उच्च माध्यमिक स्तर पर आईएएस बनने का निर्णय ले लिया है तो आपके सफल होने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो यदि आप 10th पास करने के बाद ही आईएएस को अपना लक्ष्य बनाकर आगे की रणनीति तय करेंगे तो आगे की राह आपके लिए काफी आसान हो जाती है। एक तो 10th तक पढ़ाई किए हुए जितने भी फंडामेंटल्स हैं वो आपके दिमाग में ताज़ा रहते हैं और आपके अंदर कुछ नया सीखने की ललक भी काफ़ी तेज़ रहती है। तो इन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी स्ट्रैटेजी तय करें। अगर आप स्नातक करते समय ही इसकी तैयारी शुरू करते हैं तो आपको पाठ्यक्रम की अच्छी समझ हो जाती है। तो कई अभ्यर्थी स्नातक के बाद इसकी तैयारी शुरू करते हैं, ये आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। सभी का बौद्धिक जो स्तर है वो अलग अलग होता है। यदि आप स्नातक के 3 वर्षों में अच्छी तैयारी करते हैं तो पेपर के कठिन पड़ाव को आसानी से आप सुलझा सकते हैं। तो बहुत से छात्र आईएएस की तैयारी स्नातक के बाद करते हैं तो उस समय उनकी आयु 21 वर्ष से ज़्यादा होती है। तो अधिकांश छात्र इसी आयु में तैयारी करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन इसकी तैयारी शुरू करने के समय से लगभग 1 वर्ष 6 महीने का समय लग जाता है इसके पाठ्यक्रम को पूरे करने में। तो यदि आप इस प्रकार से अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो आप प्रथम प्रयास से लेकर 3rd प्रयास तक सफल हो सकते हैं। इनफैक्ट कई आईएएस टॉपर्स ने यह खुलासा किया है कि आईएएस ऑफिसर बनना उनके बचपन का ही सपना था और अपने बचपन से ही उन्होंने इस सपने को साकार करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। कई आईएएस टॉपर्स में से ऐसे कुछ टॉपर्स हैं जो स्कूली शिक्षा के दौर से ही आईएएस परीक्षा की तैयारी में जुट गए थे, जबकि कुछ आईएएस टॉपर्स उच्च माध्यमिक शिक्षा और स्नातक की पढ़ाई के उपरांत आईएएस परीक्षा की उन्होंने तैयारी शुरू की थी। तो ये मैं कहूँगी कि पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस उम्र में इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। तो अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमताओं का सही आंकलन कीजिए और फिर अपनी तैयारी पूरे जोर शोर से करनी शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हैं, सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।